Assalamu alaikum, welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about the rice leaf pest, rice leaf folder. आज हम देखेंगे कि rice leaf folder किस तरह से rice के plants में effect करता है, उसकी growth, development या उसकी जो economy में हमारा काफ़ी ज़्यादा rice के जो role होता है तो वो किस तरह से ख़राब करता है, हम आज देखेंगे. क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे राइस लीफ होल्डर के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द टैक्सोनॉमी के वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है. दूसरा हम देखेंगे कि वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि कौन कौन से इलाकों में वो जो है वो पाया जाता है. फिर हम उसके बारे में देखेंगे कि अक्रेंस है, कौन सी जगह, कौन सी ऐसी इन कंडीशंस है जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे. डैमेज कौन कौन से करता है वो प्लांट्स के अंदर और किस तरह से करता है वो देखेंगे. और आइडेंटिफाई हम इसे कैसे कर सकते हैं कि अगर किसी प्लांट में राइस लीफ होल्डर है तो हमें कैसे पता चलेगा और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे. सो विल मूव टूवर्ड द टैक्सोनॉमी. ठीक है, ये किंगडम एनिमिलिया को बिलोंग करता है. फाइलम आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा से है, ये क्लासेस की इंसेक्टा है. ठीक है, और ऑर्डर इसका लिपिडोप्टेरा है. ठीक है, और इसकी जो जीनस है स्नेफेलोक्रोसिस है, और इसकी जो स्पीशीज स्नेफेलोक्रोसिस मेडिनेलस है, और इसको साइंटिफिक जो नेम है वो भी स्नेफेलोक्रोसिस मेडिनेलस है. ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन कौन सी कंट्रीज में ये ज़्यादा है, प्रोमिनेंट है और वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है. तो कोरिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से डैमेज होता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो इसके काफ़ी ज़्यादा ये प्रोमिनेंट है और काफ़ी ज़्यादा ये फसलों को ख़राब करता है. ठीक है, अब ये किस तरह की हैबिटेट से चाहिए होती है, किस तरह की इन्वायरमेंट से चाहिए होता है ग्रोथ के करने के लिए. तो बेसिकली ये एक मॉथ है. ठीक है, और ये जो वार्म ट्रॉपिक रीजन होते हैं, गर्म मरतूब इलाके जो होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है. रेनी सीजन में आपको ये काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं. ठीक है, और कौन से टाइम पीरियड में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ये मई टू अक्टूबर जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है. और इस एक्टिव जो पीरियड है इसमें इनकी तकरीबन 4 से 5 जनरेशन कंप्लीट हो जाती है, मतलब 4 से 5 दफ़ा ये रिप्रोडक्टिव साइकिल के थ्रू जाते हैं और अपनी जनरेशन इंक्रीज करते हैं. ठीक है, कंडीशन इन्हें क्या चाहिए होती है, ह्यूमिड नमी वाला एरिया इन्हें चाहिए होता है. हाई टेम्परेचर इन्हें ये प्रेफर करते हैं अपनी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, जो इसके इंसेक्ट की ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं. लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी जो काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल की, ठीक है, फर्स्ट स्टेज हम देखते हैं एग्स. इसके जो एग्स होते हैं वो क्रीमी वाइट कलर के होते हैं, जैसे यहाँ पे साथ में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्रीमी वाइट कलर के एग हैं. ठीक है, और ये जो है वो पैचेस वगैरह मतलब गुच्छू की शक्ल में ये एग देते हैं. और कहाँ पे लीव्स के कौन से, जो लीव की दरमियान वाली जो एक लाइन बनी होती है ना, मेन जो उसकी वेन होती है पत्तू के अंदर, ठीक है, उसे हम मिडरिप बोलते हैं. ठीक है, तो लीफ ब्लेड जो पूरा एक लीफ होता है उसके दरमियान में जो है वो ये देते हैं. और जो एग का जो साइज होता है इनका, तकरीबन वो 0.90 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, इतने लंबे होते हैं, और 0.3 मिलीमीटर वाइड होते हैं. ये एग जो होते हैं इनके ओवल शेप के होते हैं. तो ये जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये राइस लीफ फोल्डर के मतलब एग्स हैं या नहीं, अगर लीव्स में अगर आपको कोई इस तरह के शो हो रहे हैं. तो लावल स्टेज दूसरी इनकी आ जाती है. लावा जो होता है इनका लाइट येलो कलर का होता है या ग्रीनिश येलो कलर का होता है. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये जो इसका लावा है ये, ठीक है, या तो लाइट ग्रीन कलर का होगा जैसे आपको इधर नजर आ रहा है, ठीक है, या फिर ये जो है वो ग्रीनिश येलो कलर का होगा. ठीक है, अब ये जो यंग लावा है इसका साइज देखें तो 1.5 to 2 मिलीमीटर लॉन्ग होता है. ठीक है, 0.3 मिलीमीटर ये वाइड होता है. और जो फुली ग्रोन लावा है, मतलब कि लावा सही जब डेवलप स्टेज में जाता है, तो इसका साइज तकरीबन 20 to 25 मिलीमीटर लॉन्ग हो जाता है. बॉडी इसकी जो है वो जैसे जैसे लावा फीड करना स्टार्ट करता है, मतलब जैसे लीव्स पे वो लीव्स खाना शुरू करता है, तो तब इसका जो लावा है वो कौन से कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है. पहले हमने क्या बोला था, लाइट येलो या ग्रीनिश येलो कलर का होगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी फीडिंग स्टेज आगे डेवलप होती जाएगी तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है. फिर इसकी जो थर्ड स्टेज आती है वो प्यूपल स्टेज आती है, जिसे हम प्यूपा बोलते हैं. ठीक है, न्यूली फॉर्म प्यूपा जो होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होना शुरू होता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में.
ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का है, ये फुली डेवलप प्यूपा है, ठीक है। प्यूपेशन टेक प्लेस इन लूज सिल्कन वेब, ठीक है, सिल्क कलर की ये पहले वेब बनाते हैं, ठीक है, लीव्स को फोल्ड करके, जैसे नाम से शो हो रहा है कि राइस लीव फोल्डर, ठीक है, लीव को पहले ये फोल्ड करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो ये सिल्क कलर की वेब, सिल्क की जो है वो वेब बनी है, ठीक है। तो इस वेब के अंदर पहले ये वेब बनाता है लावा, फिर उसके बाद ये जो प्यूपा है इसमें ग्रो करता है, ये प्यूपा स्टेज फिर डेवलप होती है, ठीक है। अडल्ट की बात करें तो अडल्ट जो होते हैं वो गोल्डन येलो येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, या तो गोल्डन कलर की होंगी या फिर येलोइश ब्राउन कलर की होंगी, ये इसकी अडल्ट स्टेज है, ये डायग्राम में आपको नजर आ रही है, ये मौत है, फुली डेवलप मौत जब बन जाती है तो इस तरह की होती है, ठीक है। इसकी जो है वो विंग्स हैव 2 to 3 डार्क स्ट्रिप्स होती हैं इसकी जो है वो बॉडी के अंदर, जैसे आप देखें एक ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप, ये ठीक है, तो इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स बनी होती हैं, तो इसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये राइस लीफ फोल्डर है, ठीक है। मौत जो होती है इसका साइज हम देखें तो 10 to 12 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। विंग जो एक्सपेंस होता है वो मतलब कि फैल के उसकी विड्थ कितनी होगी तो वो तकरीबन 13 to 15 मिलीमीटर होती है। अच्छा, इसके लाइफ साइकिल को देख लेते हैं स्नेफेलोक्रोसिस मैगनालिस के पैडी जो इंसेक्ट, इसे ये भी बोला जाता है, ये इसका लाइफ साइकिल किस तरह से होता है। सबसे पहले इसका अगर आप देखें तो एग है, ठीक है, एग क्या करेंगे 5 दिन के बाद ये किसमें डेवलप हो जाएंगे, लावल स्टेज में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। फिर लावल स्टेज को प्यूपा में डेवलप होने के लिए लगेंगे तकरीबन 14 से 15 दिन, ठीक है, और 14 से 15 दिन के बाद जो है वही प्यूपा में डेवलप हो जाएंगे, और प्यूपा आगे से 6 से 10 दिन लेगा और किसमें अडल्ट में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह इनका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। डैमेज इनकी वजह से क्या क्या होता है और किस तरह का डैमेज करते हैं वो हम देखते हैं। जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हैं कि लाई, क्योंकि ये फीड कर रहे होते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, और स्कॉर्च मतलब ऐसे झुलसे हुए नजर आते हैं आपको, ठीक है। बिफोर फीडिंग द लावा फोल्ड द लीव्स, मतलब कि लावा लीव्स को खाने से पहले क्या करेगा, जैसे हमने पीछे देखा था ना कि वो पहले सिल्कन वेब्स बनाते हैं, ठीक है, पहले वो लीव्स को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद लॉन्गिट्यूडनली लेंथ में, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं लीफ के मार्जिन को एक दूसरे से बांध देते हैं, जैसे एक बिल्कुल वैन की ट्यूब की शक्ल उसे दे देते हैं विद द स्टिचेस, ठीक है, स्टिचेस के थ्रू, ठीक है। स्टिचेस क्या होते हैं, थ्रेड लाइक सिल्क से जो कि अपने मुंह से वो निकालता है उससे उन्हें बांध देता है, जैसे धागे से आप किसी लीफ को जो है वो ट्यूब की शक्ल में बांध दो। इसी तरह लावा फीड बाय स्क्रैबिंग, मतलब कि उसे स्क्रैब करते हुए, छीलते हुए जो ग्रीन मीजोफिल होती है, ठीक है, फोल्डिंग लीव्स की, उसको छीलते हुए खाता है और रिजल्टिंग पेल वाइट स्ट्रिप्स, जब वो छील लेता है तो उसके जो लीव डैमेज हुआ होता है उसके ऊपर क्या है या वाइट जो कलर की स्ट्रिप्स जो है वो वहाँ पे बनी होती हैं। आप अगली पिक्चर में देखेंगे कैसी तरह की जो वो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। आफ्टर फीडिंग ऑन द फोल्ड फॉर 2 to 3 days, ठीक है, 2 से 3 दिन जो है वो उसके उसको खाने के बाद इट मूव्स टू अनदर लीफ, के 2 से 3 दिन तक ये सारे लीफ खा लेता है एक प्लांट के, एक लीफ को सारा खा लेता है, फिर इसके बाद ये दूसरे लीफ में मूव करता है, उसी तरह एक से दूसरे लीफ में ये मूव करते जाते हैं, ठीक है। फीडिंग जो है वो क्या करती है, क्योंकि देखो ये लीफ पे गा रहे और लीफ पे ही ज्यादातर क्लोरोफिल होता है, तो अगर ये लीफ को ही डैमेज करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जो प्लांट की फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है राइस प्लांट की, वो क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली प्लांट खुद ही पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। डैमेज जो लीफ डैमेज हो जाते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एक जहम होता है किसी भी बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं अगर वो खुला रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो ये स्ट्रिप्स बना शुरू हो जाती है खुरेद के जो लीव्स को खाता है, तो वो एक इंट्री पॉइंट बन जाता है बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, कि वो इजीली जो है वो प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। और ज्यादातर जो है क्या होता है, ये लीफ जो यील्ड का लॉस होता है वो फ्लैग लीफ के खाने की वजह से होता है, जो बिल्कुल राइस के जो जहाँ से राइस बन रहे होते हैं ना, ठीक है, उसके आसपास जो लीफ होते हैं उनको, जो बिल्कुल टिप्स पे होते हैं उनको खाने की वजह से ज़्यादा लॉस होता है। जैसे यहाँ पे देखें तो क्या है कि ये जैसे जैसे छिलता जा रहा है इस लीफ को, तो ये देखें स्ट्रिप्स बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो लीफ यार पूरा डैमेज हो रहा है, ये आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये स्ट्रिप बनना शुरू हो जाती है और इस तरह से ये पूरे लीव्स को जो है वो खा जाता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे हम करेंगे, क्या क्या सिम्टम शो करते हैं, यह है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसपेरेंट व्हाइटिश स्ट्रीक्स ऑन द डैमेज लीफ, जैसे हमने पीछे कहा कि वो स्ट्रिप्स ही बनी होती हैं।
ट्यूबलर फोल्डेड लीफ, जैसे कि यहाँ पे देखें ये इस तरह से ना लीफ को फोल्ड करता है, इस तरह से ये स्टिचेस लगाता जाता है, ठीक है, टांके लगाता जाता है और लीफ को फोल्ड करता जाता है, अपने मुंह से ये सिल्क जो है वो निकालता है। लीफ टिप समटाइम्स फास्टन टू द बेसल पार्ट ऑफ द, बाज का ये कहता है कि लीफ की जो टिप होती है ना उसको जहां से लीफ निकल रहा होता है वहां तक से फोल्ड लगा देता है। हैवीली इन्वेस्टेड जो लीफ अपीयर स्कॉच एंड मैनी फोल्डेड लीफ, बहुत ज्यादा अगर आपको पौधों में इस तरह से फोल्ड हुए हुए लीफ या फिर झुलसे हुए लीफ नजर आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसकी जो राइस की फील्ड है वहां पे ये राइस लीफ फोल्डर डेवलप हो रहा है। नाउ सो चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स, के और इंसेक्ट्स है यहाँ पे नहीं, मतलब फुली डेवलप मॉथ्स वगैरह आपको नजर आ जाएंगी ड्यूरिंग टिलरिंग टू द फ्लावरिंग, के मतलब उसके दाने बनने से और उसके फ्लावर बनने तक जो है वो आपको ये सिम्टम्स शो हो जाएंगे। दिस और इसके अलावा क्या है, आपको लीव्स के ऊपर एग नजर आ सकते हैं। यंग लीव्स फीडिंग ऑन द बेस ऑफ यंगेस्ट, जो यंग लावा सॉरी होता है वो आपको जो लीफ के बिल्कुल जहां से वो शूट से निकल रहा होता है ना उसकी बेस पे भी चेक करें कि वहां पे आपको लावा वगैरह नजर आ सकता है। फोल्डिंग लीव्स इनक्लोजिंग द फीडिंग लावा, लावा फोल्ड हुए हैं तो भी आपको एक इंडिकेशन है कि वहां पे इंसेक्ट है। और उसके अलावा फीकल मैटर भी जो इस इंसेक्ट के, क्योंकि लीफ के ऊपर ये फीड कर रहे हैं तो उसके फीकल मैटर भी आपको नजर आ सकते हैं। तो ये भी है आपके सिम्टम्स होंगे जिसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो है वो क्रॉप्स के अंदर ये है या नहीं। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। कल्चरल तरीका देखें कि कैसे लोग इसको करते हैं, तो इसके लिए लाइट ट्रैप्स यूज की जाती हैं, ठीक है। आमतौर पर भी अगर आप देखें तो क्या होता है कि इंसेक्ट्स लाइट की तरफ बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो ये आपको साथ में साइड पे डायग्राम में नजर आ रहा है, इस तरह की लाइट ट्रैप्स लगा देते हैं वो फसलों के आगे पीछे, तो क्या होता है कि वो इंसेक्ट जो लीव्स के ऊपर होते हैं वो भाग के यहाँ पे आ जाएंगे, इस लाइट की तरफ आ जाएंगे और यहाँ से हम इन्हें ट्रैप कर लेंगे, मतलब के हमने कैप्चर कर लेंगे। रिमूवल ऑफ ग्रासी वीड्स फ्रॉम द राइस फील्ड, क्योंकि ग्रासी जो वीड्स होती हैं, ठीक है, जो जड़ी बूटियां होती हैं साथ मेन जो प्रोमिनेंट फसल होती है उसके साथ जो होती है उनको रिमूव करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो एक तो राइस की फील्ड है, ठीक है, वहां पे साथ साथ जो वीड्स होती है वो अल्टरनेटिव होस्ट के तौर पर काम कर रही होती है, तो उनकी प्रोडक्शन में उनका बढ़ाने में भी इनका काफी रोल होता है। सराउंडिंग बॉर्डर्स प्रिवेंट द बिल्ड अप द राइस लीफ फोल्डर ऑन द अल्टरनेट होस्ट, ठीक है, कुछ ऐसे बाउंड्रीज बना दें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो प्रिवेंट हो जाएगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, कौन से ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पर यूज कर सकते हैं, तो फ्रॉग्स वगैरह राइस लीफ फोल्डर पर फीड करती है तो हम फ्रॉग्स ज्यादा छोड़ दें, टोड्स वगैरह छोड़ दें, ठीक है। और इसके अलावा ट्राइकोग्रामा जो स्पीशीज होती हैं वो पैरासाइटॉइड्स होती हैं, वो इफेक्टिव होती हैं, वो उन पे फीड करती हैं, ठीक है। ये वेस्ट वगैरह जो आपको नजर आ रही है सारे डायग्राम में ये, ठीक है। न्यूमरस नेचुरल इनमीज नॉर्मली पुश राइस लीफ फोल्डर बिनो द इकोनॉमिक थ्रेशर लेवल, ठीक है, मतलब कि इनके यूज से हम क्या करते हैं कि इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज होने से बचा लेते हैं। केमिकल कंट्रोल क्या हो सकता है कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर अप्लाई करें स्पीड एप्लीकेशन में, मतलब के वक्फे वक्फे से, ऐसा नहीं है सारी एक ही दफा डाल दें। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स हम जो है वो पार्टिकुलरली बेसिलस जो है वो थ्रेनजेंसिस की जो स्पीशीज होती है उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लावा स्टेज पे उनको लावा पे फीड करती हैं, तो जब लावा स्टेज आपको नजर आ रही है तो ये छोड़ दें तो वो आपके खत्म हो जाएंगे। फिर सारे दूसरे जो केमिकल्स हैं उनके भी कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। कारटैब जी जो है वो 19 kg पर एकड़ आप यूज करेंगे तो वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन जो हमारे पास है क्लोर पायरेसिफोस जो है वो इसी, ये हमारे पास 1000 ml पर एकड़ यूज करेंगे तो ये भी काफी इफेक्टिव होगी, ठीक है। रेजिस्टेंट वैरायटी, अब रिसर्च जैसे जैसे इफेक्ट होते हैं कोई भी डिजीज आती है तो उस पर काम होना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी काफी ज्यादा राइस लीफ की काफी ज्यादा जो स्पीशी राइस की जो प्लांट्स की काफी ज्यादा स्पीशीज पे रिसर्च की गई है, उसकी तकरीबन 18,000 जो राइस के वराइटीज हैं उनमें ऐसे देखा गया है कि उनकी नेचुरली उनमें रेजिस्टेंस है इस राइस लीफ फोल्डर के अगेंस्ट, ठीक है, मतलब रेजिस्ट कर लेते हैं इसे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी जीन्स निकाल के अपनी राइस फील्ड की जो है उसके जो ग्रेन्स है उसमें पहले अप्लाई करते हैं फिर ने ग्रो करें, तो क्या होगा एक नेचुरल रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारी क्रॉप्स में। इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसी हैं जो कि मॉडरेटली रेजिस्टेंट है, 115 ऐसी स्पीशीज मिली हैं, ठीक है, और इससे हम जो है यूज कर सकते हैं। बाकी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो यूज कर सकते हैं
प्लांट्स वगैरह ताकि हम अपनी ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें. दैट वॉज ऑल अबाउट राइस लीफ होल्डर कि वो कैसे डैमेज करते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या कंडीशन है जो उनकी ग्रोथ को प्रमोट करती है, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.